इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐप लॉक की सेटिंग्स के बारे में। ऐप लॉक की सेटिंग्स हम किस तरीके से कर सकते हैं जो हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर डिफ़ॉल्ट ही ऐप लॉक दिया गए होते हैं, और उसकी सेटिंग्स को हम देखेंगे कि किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जो हमें इस प्रोसेस को करने के लिए सेटिंग्स में जाना होगा, तो सेटिंग्स में हम चलते हैं। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा, तो यहाँ पर सबसे नीचे जाने के बाद आपको मिल जाता होगा ऐप लॉक। ये तो आप जानते होंगे ऐप लॉक क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। जब मैं सेटिंग्स के आपको बारे में बताने वाला हूँ तो आप ये सब चीज़ें जानते होंगे। यहाँ पर ऐप लॉक को खोल लेते हैं क्योंकि मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखता होगा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ गई ऐप लॉक की सारी सेटिंग्स। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन आता है लॉक सेटिंग्स। यहाँ पर आपकी तीन चार सेटिंग्स रहती है, व्हेन डिवाइस और आफ्टर एग्जिस्टिंग ऐप, और यहाँ पर व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड 1 मिनट आफ्टर एग्जिस्टिंग ऐप। तो यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से बता दूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं और खोलने के बाद उसको बैक मार देते हैं, तो आप मिनिमाइज़ करते रहते हैं लेकिन उसको एग्जिस्टिंग ही मानता है ये वाला फीचर्स, तो वो जो है आपका पासवर्ड मांगेगा। और दूसरा यहाँ पर रहता है जो कि मैंने आपको दोबारा बताया, व्हेन डिवाइस लोकेट और 1 मिनट आफ्टर एग्जिस्टिंग ऐप। तो अगर एग्जिस्टिंग कर देते हैं और 1 मिनट तक नहीं खोलते हैं ऐप को, तो ये वाला फीचर्स आपके काम में आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर चेंज पासवर्ड है, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट है, आप इसको डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं और इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद शो पैटर्न आता है, शो पैटर्न में आप इसको पैटर्न से जो आपका पैटर्न शो करता है, आप जहाँ जहाँ से लकीरें खींचते हैं वो शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हाइड कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप जो है उसको हाइड कर देते हैं तो उसकी जो है वो बताता है। और उसके बाद यहाँ पर मिलता है अनलॉक ऑल एप्स एट वंस, जैसे कि पासवर्ड डालते हैं तो सारी एप्लीकेशन आपकी एक ही दफ़े में ही ऑन हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रहता है ऐड MI अकाउंट। तो ऐड MI अकाउंट क्या है, यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, इस पर अकाउंट बनाते हैं तब हमें पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए काम आता है। लेकिन हमने तो अभी बनाया नहीं और हम पासवर्ड याद रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होती हैं ऐप लॉक की कुछ सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और समझ में और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।